नमस्कार दोस्तों, TSR हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ BK अरुगम प्राइवेट लिमिटेड रिसर्च सेंटर वाराणसी मड़वाड़ी। तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, उद्घाटन समारोह है हार्ट केयर OPD का, तो यहाँ पे उस चीज़ को विजिट करने आया हूँ, देखने आया हूँ, रिव्यू करने आया हूँ। साथ में यहाँ पे प्रत्येक शनिवार काढ़ा पिलाया जाता है और क्लेम किया जाता है कि भाई इसके नियमित समय से आपको हृदय रोग संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो नियंत्रित रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम BK अरुगम के उद्घाटन समारोह को देखेंगे और समझेंगे कि आयुर्वेद में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और बनारस और इसके अन्य क्षेत्रों में इसके फायदे क्या है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो पीछे प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, और BK अरुगम में आज उद्घाटन समारोह है तो हम पूछते हैं। वाराणसी शहर में स्थित BK अरुगम एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी ऐसी यूनिक मशीन है जो कि फॉरेन कंट्री से इंपोर्टेड मशीन है, जो कि कुछ ही समय में मात्र 30 मिनट्स के इंटरवल में आपके पूरे शरीर सर से लेकर पैर तक हर एक चीज़ की जांच कर लेगी, उसको डायग्नोस कर लेगी और इनफैक्ट ट्रीट भी करती है और आपका सेल रीजनरेशन करती है। तो इसका मतलब कि हमारा समय बचता है, बहुत समय बचता है, समय पैसा हर चीज़, और आपको एक राइट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है ये मशीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मशीन देखा और यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, तो ये बहुत ही यूनिक मुझे लग रहा है कि BK अरुगम जो कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो चलिए और भी हम विजिट करते हैं और देखते हैं। कभी जीवन में कोई ठीक नहीं होता, ये मैं सिर्फ अगर घाट की बात को ऐसा नहीं है, अगर जॉइंट का भी पेशेंट है तो पहले वो पेनकिलर खाएगा, फिर इंजेक्शन लगवाएगा, स्टेरॉयड खाएगा, फिर घुटना बदलवाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी घुटना बदलाया गया, कितना सफल रहा देश जानता है। तो ये सफल नहीं है, ये तत्कालिक है, सर्जिकल प्रोसेस ही एलोपैथ में होता है, लेकिन इन रोगों का इलाज सिर्फ आपकी जीवन शैली और आयुर्वेद में है, और ये पिछले 22 सालों से BK अरुगम करके दिखा रहा है। तो बनारस वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पहले तो रोग से बचे, आप सिर्फ डाइट को थोड़ा चेंज करके और लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाके बीमारी को दूर कर सकते हैं, और रोग गंभीर अगर हो गया है तो प्रॉपर इलाज यानी जड़ से ठीक करने का भी काम आयुर्वेद कर सकता है। और जैसा सर ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात प्रचार में लगे, खुल के बोल रहे आयुर्वेद के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता को खुद जागरूक होना होगा, ठीक, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ या बहुत सारे और लोग आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको खुद जागरूक होना होगा कि एलोपैथ ही बीमारी की वजह है। 50-60 साल पहले हार्ट पेशेंट इंडिया में नहीं थे, किडनी फेल नाम की चीज़ इंडिया में नहीं थी, आज हर घर में पेशेंट है, BP के हर घर में है, शुगर के पेशेंट, क्यों?
क्योंकि हमने अपने लाइफ स्टाइल को गड़बड़ कर दिया और एलोपैथ के सारे चले गए। जिस दिन एलोपैथ छोड़ेंगे, लाइफ स्टाइल थोड़ा सुधार लेंगे, हम सब बीमारियों को हटा लेंगे और 50 लाख करोड़ जो हमारे देश का बर्बाद हो रहा है जी सर, ये हम बचा पाएंगे, देश का काम हो पाएगा। सर एक और क्वेश्चन है कि आयुर्वेद तो हॉस्पिटल बहुत से हैं, तो वो लोग दवा देते हैं छोड़ देते हैं, तो आपका स्पेशल क्यों है? देखिए दो बातें हैं, पहली चीज़ तो हम क्रिटिकल डिजीज पे काम करते हैं, 5 गंभीर रोग हैं, हृदय रोग इसको बोलते हैं एच ओ फॉर ओबेसिटी यानी मोटापा, इसके अलावा पेन मैनेजमेंट यानी कि जोड़ों की समस्या उससे संबंधित, एस फॉर शुगर और ऑल किडनी डिजीज, ये हमारे 5 स्पेशलिटी के क्षेत्र है जहाँ हमारी एक्सपर्ट टीम काम करती है। दूसरी बात कि हम सिर्फ दवा नहीं देते, हम दवा अपने यहाँ बनाते हैं, अपने खेतों में जड़ी बूटियाँ उगवाते हैं, अपने प्लांट में तैयार करते हैं, अपने हॉस्पिटल्स में हम इलाज करते हैं और अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मार्केट में जो डॉक्टर हॉस्पिटल बैठे हैं वो मार्केट दवाई खरीद रहे हैं जो केमिकल बेस्ड होती है आयुर्वेद के नाम पे, लेकिन हम वो दवाइयाँ खुद बना रहे हैं और ऐसा करने वाले हम भारत के एकमात्र संस्थान हैं और ये सभी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और इसके लिए मैं देश के बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। ये अलग बात है कि वो लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी कमी है जो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा सर, और कोई बाहर से कोई आता है तो भाई बाहर कहीं होटल में रहेगा, आपका इलाज कराएगा, जो प्रोसेस आप बता रहे हैं तो ऐसा कुछ क्या आपका? मैं बताना चाहूंगा, उत्तर भारत का पहला आईपीडी सेंटर है आयुर्वेद का, है ना, ये पहला है प्राइवेट में, BHU या बाकी संस्थान है लेकिन अगर प्राइवेट में जाएंगे तो कोई आईपीडी सेंटर नहीं है, ओपीडी सेंटर्स हैं जहाँ दवाई लेके जा सकते हैं, लेकिन आप भर्ती होकर पूरा पंचकर्मा योगा प्राणायाम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट इसके अलावा मंत्र चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा का भी प्रयोग करते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तक का प्रयोग करते हैं, आयुर्वेद का जो विशुद्ध रूप है वो आपको अगर एक साथ देखना हो तो आपको बीकर अर्गम मिलेगा और हम अपने यहाँ इन हाउस में रख के और 10 दिनों में पेशेंट को रिकवर करके छोड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, बॉडी रीजनरेशन प्रोसेस, जहाँ पूरे सेल्स को रिजनरेट करते हैं और वहाँ पे खांसी से लगे कैंसर तक में चमत्कारी आराम मिलता है। और आज भी पूरी दुनिया से हर साल पंचकर्मा कराने हमारे देश में लाखों लोग आते हैं, इंडिया के लोग थोड़ा देर से समझते हैं। अच्छा, मतलब मेडिकल टूरिज्म आप प्रोवाइड करवा? बिल्कुल, यहाँ पर ऑलरेडी फैसिलिटी है और बाहर के पेशेंट भी आते हैं, आप जितने पेशेंट भी सेंटर में पाएंगे 80% बाहर के पेशेंट पाएंगे, बाहर के जो देश के अलग कोनों से है। थैंक यू। सर ये क्या हो रहा है? CBS टेस्ट हो रहा है। CBS टेस्ट, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं? ये कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग, पूरे बॉडी को स्कैन करता है, उसकी टेस्ट जाँच करता है जी, ठीक है, और शरीर में हो रहे बदलाव और जो भी दिक्कतें हैं उसको बताता है। तो ये मैं कंप्यूटर में जो देख रहा हूँ तो यहाँ पे वो दिखता है जी? यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट दिखता है, टू द पॉइंट। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा बॉडी एक चेकअप हो रहा है, प्रोसेस में हो रहा है, तो पूरा ट्रीटमेंट आप बीके और उद्यम में देख रहे हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स जो पूरा रिपोर्ट। तो यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, अब हम यहाँ पे रिपोर्ट निकाल रहे हैं इनकी। रिपोर्ट निकाल ले, तो ये कितना समय लगता है इस चीज़ को करने के लिए? रिपोर्ट को निकालने में 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट जी। इस रिपोर्ट से बेनिफिट्स क्या होते हैं? इस रिपोर्ट से बेनिफिट ये होता है कि हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस या जो भी दिक्कतें हैं या होने वाली हैं वो सब कुछ ये बताता है। और इस ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको क्या पूरा नाम क्या बोलते हैं इसका? कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग टेस्ट, CBS टेस्ट। अच्छा, ताकि आप देख रहे हैं कंप्लीट बॉडी चेकअप यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम डॉक्टर जी के साथ हैं और डॉक्टर से हम पूछेंगे कि आज ये वीके आरोग्यम में कौन सा इवेंट था उसके बारे में कुछ बताइए। सर आज जो है वीके आरोग्यम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो हार्ट केयर यूनिट की ग्रैंड ओपनिंग थी जी सर, जिसके तहत जो जो भी पेशेंट आ रहे थे उनका फ्री ECG और साथ में उनको हार्ट केयर काढ़ा मिल रहा था जी सर। जो काढ़ा आज जानते होंगे कि समाज में बहुत ज्यादा लोग हार्ट अटैक का कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं या डेड हो जाती है उनकी, तो ये काढ़ा जो है उनके हार्ट में जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन रहती है उनको क्लियर करता है और उसके बाद जो हमारे आर्टरीज होती है वेंस होती है उसमें जो ब्लॉकेज होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का उसको ये क्लियर। अगर आप नियमित रूप से काढ़ा पी रहे हैं तो आपको मान के 90% आपको खतरा टल जाता है जो हार्ट अटैक से। अच्छा, तो ये काढ़ा फ्री में दिया जा रहा है जी? हर शनिवार को जो है हर वीक में ये काढ़ा फ्री दिया जाता है हमारे।